गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा विषय औपचारिक नहीं है, बेहद अनौपचारिक विषय मैंने चुना है, काफी रोचक भी है और कुछ चुभने वाला भी। हो सकता है मेरी बातें ज्यादातर लोगों को पसंद भी ना आए, लेकिन मेरे कुछ दोस्त, क्योंकि मुझे जेएनयू का होने की वजह से एंटी नेशनलिस्ट भी कहते हैं, तो हो सकता है मेरी बातों में आपको वैसा कुछ नजर भी आ जाए, लेकिन यकीन मानिए आपकी जितना ही राष्ट्रवादी मैं भी हूं। लेकिन भारत एक काफी रोचक देश है, यहां सब कुछ है, सब कुछ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव्स भी हैं। हम अपने आप को 21वीं सदी या भविष्य का सबसे सुपर पावर बनाने की ओर बढ़ रहे हैं और चाहते भी यही हैं। बहुत खुशी मिलती है, गूजबम्स मिलते हैं जब मेरा भारत महान या सारे जहां से अच्छा सुनते हैं। तब बचपन में ट्रक के पीछे एक लाइन देखी थी, 100 में से 00 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। तब उस लॉजिक को नहीं समझ पाए थे, लेकिन आज एक लंबा सफर तय कर लिया तब समझ में आता है कि जितना तेजी से हम आगे बढ़ते हैं उतनी तेजी से हमारे पांव फिसलते भी हैं। इंडिया को डाइवर्सिटी वाला देश कहा जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पर डाइवर्सिटी तो है, पर क्या यूनिटी है? वी यूनाइटेड? देखना चाहें तो हम अपने देश की 4-5 चीजों पर बहुत गुमान गर्व करते हैं, उनमें से एक है हमारी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश कहलाते हैं, लेकिन इस लोकतंत्र को चला कौन रहा है? क्या यह बहुमत की सरकार बनती है? सब जानते हैं कितने परसेंटेज वोटिंग होती है। अल्पमत की सरकार इस देश को हमेशा से चलाती आ रही है और हमें गर्व है कि हम लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार है। एक वोट की कीमत एक शराब के पौवे से ज्यादा नहीं होती है, इस देश की यह विडंबना है। इसलिए मैंने अपने विषय को जो टाइटल रखा है कि भारत विरोधाभासों का देश है, यहां पर एम्बुलेंस से पहले पिज्जा पहुंच जाता है। आखिर हम इस दुविधा में क्यों जी रहे हैं? अक्सर हमारे सीनियर्स कहते थे कि पहले बहुत आराम की नौकरी थी और अभी बहुत मुश्किल से नौकरी करना बहुत मुश्किल हो गया है। मुश्किल क्यों? क्योंकि विजिलेंस बढ़ गई है, अब आपको उतना आराम नहीं मिलेगा नौकरी में। ये किस तरह के पैरामीटर्स हम सेट कर रहे हैं? डेमोक्रेसी के बाद अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो इकोनॉमिकली हम बहुत से फिगर्स डाटा देते हैं कि परचेजिंग पावर में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2 ट्रिलियन हमारी अर्थव्यवस्था का वॉल्यूम है, लेकिन इस देश में ही 30% लोग भूखे सो जाते हैं। इतना विरोधाभास क्यों? क्या हमने सिर्फ आगे बढ़ना ही सीखा है? जो पीछे छूट गए उनको साथ लेकर कौन चलेगा? इसी देश में नक्सलाइट बन जाते हैं, गोलियां चलाई जाती है, लेकिन नक्सलाइट बने क्यों, उसके पीछे भी जानना चाहें तो ना कहीं हमारे ये विरोधाभास ही सामने आते हैं। हम बात करते हैं हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड की, युवा शक्ति की। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा देश सबसे युवा देश है, लेकिन ये युवा जा कहां रहे? इसी देश के युवा बेरोजगारी की लाइन में लगे हैं, इसी देश के युवा अल्कोहल को अपनी डेली हैबिट बना चुके हैं। अगर मैं अल्कोहल नहीं पीता हूं तो मैं ऑड हूं, मुझे कंसीडर नहीं किया जाता, या पार्टी के नाम पे सिर्फ एक ही चीज समझी जाती है, कौन कर रहे हैं? युवा। यही युवा जो भविष्य की ताकत बनने वाले हैं, यही युवा अक्सर जब भी हिंसा होती है तो सबसे आगे खड़े मिलते हैं। इस युवा को आप ताकत कैसे बनाओगे? रोजगार चाहिए हमें, अगर रोजगार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पत्थरबाजी कर रहे होंगे। फिर बात करते हैं हम हमारे डाइवर्सिटी की, एक्चुअली कल्चरल डाइवर्सिटी की। हम भाषा, शिक्षा, संस्कृति सब मामले में बहुत रिच हैं। देश के हर कोने कोने में हमारे पास अलग अलग तरह की भाषाएं, वेशभूषा, खान पान है। लेकिन एक बहुत मुझे याद नहीं आ रहा है, एक ट्रेवलर थे अमेरिकन,
उनको भगवान में विश्वास नहीं था। किसी ने सजेशन दिया कि आप हिंदुस्तान घूम के आइए, आपको भगवान दिखेंगे। वो भारत में आए और उन्होंने अपने उस ब्लॉग में, अपनी उस यात्रा वृतांत में लिखा कि इस देश में जहां देखो कोई जाति के नाम पे लड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे लड़ रहा है, हर कोई लड़ रहा है, ऑटो वाला अपने पैसेंजर से लड़ रहा है, सब कुछ इतना अधर में चल रहा है, फिर भी यह देश इतनी सदियों से चल रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई तो भगवान जरूर है। तो वाकई क्या इस देश को राम भरोसे चलाया जा रहा है? अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कड़वी सच्चाई है, बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आएगी, लेकिन सच यही है। यहां प्रैक्टिकलिटी, व्यवहार के पीछे सिद्धांतों को भुला दिया जाता है। हमने अपने लेक्चर्स में बहुत देखा है कि हमें एथिकल वैल्यूज के ऊपर लेक्चर्स दिए गए हैं और हम बड़े तसल्ली से सुनते हैं, बताने वाले भी अपने अपना जीवन का अनुभव बता के हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं, पर जैसे ही ऑडिटोरियम से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और सच है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बोलना बहुत आसान होता है, मैं भी यहां बोल रहा हूं बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में बाहर उतरते हैं तो हम बड़ी आसानी से उन बोली हुई चीजों को साइड में कर देते हैं, बोले ये व्यवहार में संभव नहीं है। तो क्या जापान में व्यवहार में ये सब चीजें नहीं होती हैं? हमने अपने दायरे, अपनी सीमाएं खुद ने बना रखी है। हम व्यवहार का नाम देकर और जो सिद्धांत हमारी संस्कृति है, हमने उनको बहुत साइड में कर दिया है। हमने नारी का सम्मान, हमारे सिद्धांत कह लीजिए, हमारे व्यवहार में भी था, लेकिन अब नहीं है। और वो भी तब जब हम हर समस्याओं की जड़ शिक्षा को बताते हैं। पर वेरी अनफॉर्चुनेट, 70% लिटरेट कंट्री में आज भी हर दिन कई कई लड़कियों की, पूरे देश में और सिर्फ लड़कियां नहीं बच्चियों तक का रेप हो जाता है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे हम कहते हैं कि एजुकेशन की वजह, जिनके पास एजुकेशन नहीं होता वो लोग ऐसा करते हैं। नो माय डियर, डूंगरपुर का सेक्स रेशियो देखिए, वहां बच्ची को जन्मते ही मारने वालों की लोग वहां कम है, जबकि वहां बहुत ज्यादा शिक्षा की कमी है। और वहीं झुंझुनू में जाइए जो शिक्षा के नाम पे सबसे आगे रहता है, वहां का सेक्स रेशियो चेक कीजिए आप। तो ये विरोधाभास क्यों है? क्या शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने तक सीमित है? मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये मान लिया है कि एजुकेशन सिर्फ हमारी नौकरी पाने तक की, मंजिल पहुंचाने तक का काम करेगा, बाकी की जो वैल्यूज हैं, जो जो हमारे एथिक्स हैं, वो तो हमें प्रैक्टिकली सीखने पड़ेंगे। और प्रैक्टिकली क्या होता है? वही जो चल रहा है उसी को चलाते रहो। तो फिर इन सब का मतलब क्या है? क्यों ट्रेनिंग करते हैं, क्यों बड़ी बड़ी बातें होती है? प्रैक्टिकल में वो थ्योरेटिकल एंगल लाने की कोशिश जब तक नहीं की जाएगी ना, तब तक मेरे ख्याल से ये सारी प्रवचन, सारी बोल बच्चन खत्म हो जाती है। आपको एग्जांपल देता हूं अपनी लाइफ का। स्टूडेंट हूं इसलिए दोस्तों के बीच में रहने का मौका मिलता है। कुछ दिन पहले मेरे यहां एक साथी ने मुझसे बातचीत चल गई थी, तो मैंने कहा सर मैं अपने लाइफ में एब्यूजिव वर्ड यूज नहीं करता। वो सीधा सीधा मेरे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, ऐसा पॉसिबल कैसे? माय डियर फ्रेंड्स, बिहेवियर में कोशिश की जाए तो पॉसिबल है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोशिश करने पर हर चीज संभव हो सकती है। गौर कीजिए, इग्नोर मत कीजिए मेरी बातों को। हाँ, चुभ सकती है, लेकिन जब बात लगेगी तभी बात बनेगी। थैंक यू सो मच।